निसर्ग को लेकर शहनाज को भी चिंता हो रही है। उन्होंने अपने फैंस को एक स्पेशल मैसेज दिया है। क्या कह रही हैं शहनाज अपने फैंस से, मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कई बॉलीवुड सितारों के साथ साथ शहनाज ने भी अब एक स्पेशल मैसेज अपने फैंस को दिया है। वो कहती हैं, घर पर ही रहिए। आई अर्ज ईच एंड एवरी वन टू नॉट फॉरवर्ड और बिलीव इन रूमर्स एट दिस टाइम। Follow instruction by your municipal government. People of Maharashtra and Gujarat, be safe. Cyclone Nisarg. तो कहीं ना कहीं साइक्लोन निसर्ग को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरह की सारी खबरें आ रही हैं, उसको लेकर शहनाज भी थोड़ा चिंतित है। उन्हें अपनी फैंस की चिंता है और उन्होंने एक स्पेशल मैसेज दिया है कि इसको लेकर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, अफवाहें आ रही हैं, उन पर ध्यान मत दीजिएगा, बल्कि आपके म्यूनसिपल की तरफ से जितनी भी गाइडलाइंस आ रही हैं, जितनी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि लोग पैनिक ना हो। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि स्टे होम। हालांकि लॉकडाउन के चलते जो है वैसे भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा हो कि अगर आज के दिन आप लोग बिल्कुल भी बाहर निकलना टालें। और यही बात जो है शहनाज अपने फैंस को कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं शहनाज को कल लोग मिस कर रहे थे, तो मिसिंग शहनाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। ऐसे में शहनाज ने भी अपने फैंस को लिखा कि आई मिस यू ऑल, और अब जो है उनको आप सभी की चिंता है। और उन्होंने अपील की है कि आप लोग सब घर पे रहिए और पैनिक होने की जरूरत नहीं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपके म्यूनसिपल दे रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। तो ये मुझे लगता है कि शहनाज का और फैंस के साथ जो रिश्ता है वो इसीलिए इतना प्रीशियस है और खास है, क्योंकि समय समय पर जो है अगर शहनाज कुछ ना बोले तो फैंस मिस करने लग जाते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो शहनाज आगे आकर उनको अपील करती है और बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती। उन्होंने सबसे पहले, अगर मैं कहूँ तो बिग बॉस के कंटेस्टेंट में मुझे लगता है कि अभी वो हैं जिन्होंने सबसे पहले आगे आकर इस बात की अपील जो है अपने फैंस को की है। तो आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।